मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हरियाणा दौरे पर रहे। उन्होंने हरियाणा के तोशाम विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की प्रत्याशी श्रुति चौधरी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। ये किसान की और जवान की धरती है और किसान जिस तरह से मेहनत करता है और मेहनत करते हुए वो देश को आगे बढ़ाने का काम करता है और हमारा जब किसान का बेटा वो जवान जब सीना पर जाता है तो मां भारती की सेवा करता है। अगर उसको कहीं भी दिक्कत आती है तो अपने आप को मां भारती के लिए समर्पित कर देता है, लेकिन अपनी मां भारती की रक्षा करने से कभी पीछे नहीं हट सकता है। ऐसी मैं इस धरती को नमस्कार करता हूं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं इस देश में आजादी से पहले आपने देखा होगा क्या स्थिति थी। हमारे आपके पूर्वजों ने जिस तरह से आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया था, उन्होंने इस मां भारती को आजाद कराने में हिस्सा लिया था। उनके मन में कई सपने थे, कई विचार थे जो आए थे कि आने वाली पीढ़ी हमारी सुरक्षित रहे, हमारे आने वाली पीढ़ी ठीक तरह से शिक्षा ग्रहण कर सके, ठीक तरह से आगे बढ़ सके थे। इसी ऐसे सपने उन्होंने देखे थे और उन सपनों का आधार यही था, क्योंकि बहुत जैसे जीवन काट रहे थे उन्होंने काटा था, क्योंकि गुलामी का जाल बहुत लंबे समय तक चला था। कभी हूड आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आया तो कभी अंग्रेज आए, लेकिन हमारे उन पूर्वजों ने हमेशा संघर्ष की स्थिति देखी और वो संघर्ष करते हुए हमको आजादी मिली। लेकिन मैं कहना चाहता हूं भाई और बहनों, आजादी के बाद देश के अंदर जिस तरह की धारा बही थी, देश के अंदर जिस तरह की धारा बहते हुए देश एक भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण के आधार पर चल रहा था। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये वो ही कांग्रेस है, अगर सही मायने में मैं कहूं तो ये कांग्रेस तुष्टिकरण के आधार पर और भ्रष्टाचार के आधार पर चलने वाली पार्टी है, भ्रष्टाचार के आधार पर चलने वाली।